नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस लेकर के आता हूँ फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स लेकर के आया है, जो आपके मस्तिष्क में जो चलते रहता है उसको, निगेटिव सोच चलते रहता है उसको पॉजिटिव बनाना कंपलसरी हो गया है। आप उसको निगेटिव सोच को, झूठ को निकालिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। आज कोरोना का कहर इतना क्यों भयंकर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आविष्कार होते रहता है। जब जब प्रलय आएगी, जब तक लोग में अंदर झूठ पाप ऐसा क्राइम बढ़ेगा, तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ अपने रूपों में अवतार लेगा। आप देखा होगा कि कोरोना से जितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, कोई आपको बताने में हमको भी जिज्ञासा नहीं है। जितने भी इसके शिकार हो रहे हैं उनका हिस्ट्री मालूम करो कि आखिर कोरोना से मरने वालों किस तरह के लोग थे, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऊपर वाला ने कुछ आविष्कार, कुछ जन्म अलग तरीका से लिया है कोरोना के रूप में, जो ऐसे लोगों को बीट कर रहा है कि जो कि झूठ के सहारे अपने जिंदगी को लेके जा रहे थे और समाज में खाली नफरत ही और क्राइम ही बढ़ाए हैं, उसे लोगों को चपेट में ले रहा है। बाकी अगर आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये एक आविष्कार है, ऊपर वाले का एक तजुर्बा है। तो झूठ क्या है, तो इसमें आपको एक गाना याद आता है कि सज्जन रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, सभी को पैदल ही जाना है। देखा आपने, किस है मेरे दोस्तों, संजनों, देवी देवताओं, मेरे भाई बंधुओं, झूठ मत बोलो, सज्जन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, सभी को पैदल ही जाना है। तो आप अपने जिंदगी में इतनी झूठ रूपी पौधे को लगा चुके हो सर, तो आप झूठ रूपी पौधे लगाओगे तो क्या आपको फ्रूट्स मिलने का चांस है? आप जो बोलोगे वही तो काटोगे सर। हम एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं कितने उसमें और कुछ ऐड करते जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने बीवी बच्चों का ही कसम खा लेते हैं, देवी देवताओं तक भी नहीं छोड़ते हैं। तो क्या है, झूठी तो है। आज समाज में, आज 50 साल पीछे जाइए, लोगों की बातों की एक वैल्यू होती है। कोई भी पेपर नहीं होता था, आप कहानियां भी सुने होंगे, कभी कभी कोई कोई पेपर पर कोई लिख के देता ही नहीं था, उसका वचन ही पत्थर की लकीर बन जाती थी। जो बोल दिया तो बोल दिया, उसी को लोग फॉलो करते थे, किसी को दे दिया तो दे दिया। आज जो है इतने झूठे और मकार बनते जा रहे हैं, चाहे इसी सबसे बड़ा बीमारी का जड़ तो यही है सर, कि लोग इतने झूठे बोलते जा रहे हैं। अगर हम घर से शुरू करते हैं तो आपका भाई, आपका बेटा ही, आपका बेटी इतने झूठ बोलते हैं कॉलेज जा रहे, जाते हैं पार्क में, और आपका लड़का भी आपसे झूठ बोलता है। और अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में छोड़ जाते हैं तो आपका स्टाफ झूठ बोलता है, अगर कंपनी लाइफ में जाते हैं वहाँ पर एक इशू करते रहता है। तो अगर झूठ क्या है, झूठ जो है आपको डिप्रेशन में लेके जाता है, आपको लाइफ का ग्राफ, अगर एक डाई मेकर को एक डाई बनाने के लिए देते हो तो दुनिया भर के झूठ बोलता है, उसको डाई को टाइम पर नहीं देता है, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है। तो झूठ क्या है, झूठ जो है ये हम साफ सोचते हैं कि सामने वाला सुनते रहता है, हम बोलते जाते हैं तो उसको हमको लगता है कि सामने वाला अज्ञान है, एकदम बेवकूफ है, मूर्ख है, हम बोलते जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, यही तो झूठ है। झूठ क्या है, किसी को बेवकूफ बनाना, लेकिन सामने वाला भी सुनते रहता है कि कितना दिन बेवकूफ बना रहा है, वो सुनते जाता है, जानते हुए भी वो सुनता है कि चलो आज फिर इसको मैंने माफ किया, फिर एक बार चांस देता है। लास्ट में वो झूठ बोलने वाले का जो है इस धरती पर
ये पाप रूपी इतना घड़ा भर जाता है कि वो जो है उसका घड़ा जो है इतना भर जाता है, इतना वो हल्का हो जाता है कि उस लोग उस आदमी से लोग समाज बहुत दूर भागने शुरू कर देते हैं। मालूम हो जाता है कि लोगों का ये झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है। जैसे हम बिजनेस की ही बात करते हैं, कुछ ऐसे ही कस्टमर हैं जो झूठ बोल बोल करके आपको 1 वीक में सही पेमेंट दे देंगे, ऐसे करते करते महीनों सालों गुजरते चला जाता है। जिसने दिया उसका जो फंड्स का इशू हो जाता है, जैसे हमारे पास है यस एक इंटरप्राइजेज है, श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज है, और एक है द मेंटेनेंस है बोल के है झारखंड में। ऐसे बहुत सारा जो कस्टमर है जो बहुत बड़ा बहुत सारे कंपनियों को फंड्स के मामले में हिला के रख दिए हैं, इतने झूठ का सहारा ले रहे हैं। तो क्या ऐसे झूठों लोगों के लिए क्या कोरोना बख्शेगा? मेरा तो मानना है कि आज वैसे ही लोगों को कोरोना प्रताड़ित कर रहा है जो झूठ के सहारे अपने जिंदगी में अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने आप से और उनके बारे में पूछिए कि जो भी कोरोना से पीड़ित हुए हैं कितने लोगों ने सच का सहारा दिया है, कितने लोग झूठ नहीं बोले हैं। मैं कभी लाइफ में भगवान को मानता हूँ, उस गॉड को मानता हूँ। मैं कम से कम 3 टाइम पूजा करने वाला मिथिलेश चौधरी, मैं कभी भी मेरे ऊपर भी वो हनुमान जी की शक्ति है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी प्रकट कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से जन्म करके आसमान में जा सकता हूँ। मेरे पास हनुमान जी की शक्ति है, कल भी था आज भी था, मैं किसी को मानता नहीं। जब हमारी गुस्सा आती है तो हनुमान जी से कम नहीं आती है, और शांत होता हूँ तो सीता मैया के आशीर्वाद लेने के लिए जाता हूँ तो ऐसा झुकता हूँ कि झुके रह जाता हूँ। तो भैया कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना एक ऐसा चमत्कार है जो इंसान के हर धड़कन को, झूठ बोल वाला धड़कन को, जिह्वा को निकाल करके फेंकने वाला है। आप कितना भी दवा करो लो, कितना भी वैक्सीन ले लो, छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जितना इस संसार पर 2012 में ही प्रलय आने वाला था, पूरा आग का गोला बरसने वाला था, लेकिन नहीं बरसा। भविष्यवाणी होती चली गई, लेकिन इंसान जो है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको 1 साल पहले भी वार्निंग दिया था, कभी भी वक्त है झूठ का सहारा छोड़ दो, ईमानदारी की तरफ चले जाओ, मस्जिद की तरफ जाओ, मस्जिद के चरा गुरुद्वारा की तरफ जाओ, मंदिरों की तरफ। कितने हिंदू हैं जो डेली अपने मंदिरों में या घरों में पूजा करते हैं, शराब को बना लिए है तमाशा, रोडों पर लड़कियों का छेड़ने का नाटंकी कर चुके हैं। कितने मुसलमान हैं जो डेली मस्जिदों में जाते हैं, कितने हिंदू हैं जो मंदिरों में जाके कभी सप्ताह में भी आशीर्वाद लेते हैं, कितने क्रिश्चियन हैं जो हर एक संडे को चर्च में जाकर के भगवान के लिए टाइम देते हैं। भगवान आज भी है, कल भी रहेंगे। तो भैया सतयुग में जैसे कि आपने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश बन के पैदा हुए थे, और द्वापर युग में आपने देखा होगा कृष्ण बन के अवतार लिए थे, और त्रेता युग में रामचंद्र बन करके अवतार लिए थे। आज कोरोना का रूप धारण कर करके भगवान ही अवतार लिए हैं कि आप कितना भी दवा करा लो भैया, आपको छूटने वाले नहीं हो। इसलिए वही आदमी छूट सकता है जो कि सत्य का सहारा लिया हो, जिसके पास ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।